वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर जाके रहना। एक झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर जाके रहना। सुलेमान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाइबल के समय में भी ये घटनाएं घटती थी। पत्नी आती थी और पति को कहती थी, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, मुझे ऐसा बोला मुझे वैसा बोला। माँ कह रही है कि तेरी बहू ने ऐसा किया वैसा किया। ये घर घर की कहानी थी, ऐसा नहीं आज के समय में हो रहा है, ये बाइबल के समय में भी था। तो उस समय पर ये शिक्षा दी गई कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर रहना। यानी अगर मकान बना हुआ है, नीचे परिवार के साथ पत्नी तुम्हारी रह रही है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो तू छत पे जाके कमरा बना ले और अलग रख अपनी पत्नी को, अलग रह, परिवार से अलग कर दे उसको। ये बाइबल के समय की शिक्षा है, अलग कर दे खाना पीना, उसका किचन सब अलग कर दे, उसको अलग रख, जिससे क्या हो, झगड़ा उत्पन्न ना हो। ये बाइबल के समय की शिक्षा है, ये आज की नहीं है। छत के कोने पर रहना उत्तम है, इसीलिए बोला गया, क्योंकि नीचे रहेगी तो झगड़ा करती रहेगी। तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारे बाप ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं, मैं तो दुखी हो गई हूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। अब पति क्या करे, माँ बाप की सुने पत्नी की सुने, वो किसको संभाले, संभालना तो दोनों को है। इसीलिए क्या कर, अपनी पत्नी को लेकर छत के कोने पर जा, टॉप वाले फ्लोर पर चला जा, एक कमरा बना ले और वहां रह ले, किचन भी अलग कर दे, सब कुछ अलग कर दे, जिससे झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये बाइबल के समय में ही शिक्षा दी गई है, ये आज की कोई नई शिक्षा नहीं है, ये उसी समय बताया गया था, क्योंकि सुलेमान के समय में भी ये घटनाएं घटती थी। और आज के समय में तो बड़ी पॉपुलर है, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। सास बहू आपस में रहने नहीं चाहते, तकरार है, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनके बीच में यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी होती है, मेल मिलाप से रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, क्योंकि हमें मेल के सुसमाचार के जूते परमेश्वर ने दिए हैं। जब हम मेल करने के लिए मेल मिलाप से रहते हैं, तो हम ब्लेस्ड होते हैं। जो चर्च मेल मिलाप से रहता है, अपने लोगों की चिंता करता है, सुधी लेता है। जो पास्टर अपने लोगों की चिंता करता है, सुधी लेता है। जो विश्वासी पास्टर की चिंता करते हैं, सुधी लेते हैं। मेल मिलाप से जो चर्च रहता है, वो चर्च बहुत डेवलप होता है। हालेलुया, वो चर्च बहुत ब्लेस्ड होता है। जो देश यूनिटी के साथ रहता है, मेल मिलाप से बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत आशीषित होता है।